भारत की प्रमुख नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनी अवादा ग्रुप ने अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अवादा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी है। इस फैक्ट्री की स्थापना अतिरिक्त बुट्टीपुरी औद्योगिक पार्क नागपुर में की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में 13,650 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि निवेश के पश्चात 5,000 से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होने एवं भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा की योजनाओं को गति मिलने की प्रबल संभावना है। ये फैक्ट्री अवादा के 13,650 निवेश पश्चात भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। यह फैक्ट्री देश के 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कटौती करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान दे। यह सुविधा इंगोट वेफर से लेकर पीवी सेल और बॉटल उत्पादन तक संपूर्ण और मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगली पीढ़ी की बैटरी और इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण एवं उत्पादन भी करेगी। अवादा ग्रुप मॉडल्स ग्लास और फ्रेम का उत्पादन करने के लिए सहायक इकाइयों की स्थापना करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने की योजना पर निरंतर कार्य कर रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले पीवी मॉडल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह प्लांट महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास के प्रति अवादा समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सतत ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से अनुरूप है। यह महाराष्ट्र को सोलर निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पेरिनो रिका इस दुनिया की एक बड़ी कंपनी ने नागपुर में एशिया की सबसे बड़ी डिस्टिलरी का इन्वेस्टमेंट किया है। आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बार्ले है और कम से कम 90,000 किसानों से बार्ले खरीदने का उनकी मानसिकता है, उसके लिए वैल्यू चेन तैयार करने की उनकी मानसिकता है। तो इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ में आज हमारे ताड़ोबा जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, फ्रांस की पुमा रोपवेज इस कंपनी ने एक लेटर ऑफ इंटेंट हमको दिया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना एयर टूरिज्म के माध्यम से लोगों को वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस देना, इस प्रकार का ये प्रपोजल है। इसके ऊपर हम लोग हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ये दोनों इसके ऊपर अभ्यास करेंगे और जल्दी ही इसको भी हम आगे ले जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।